राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पिता बाथरूम जाते समय फिसलने से चोटिल हो गए। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। वहां मेडिकल टीम ने उनकी स्थिति को देखा और उनके चोट लगना महसूस हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस के सहयोग से आरबीएम अस्पताल लेकर आए, जहां उनकी सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि उनकी राइट साइड की 5 पसलियां टूटी है। अभी उनका उपचार आईसीयू में चल रहा है और उनकी स्थिति स्टेबल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का निवास जवाहर नगर में स्थित है, जहां उनके पिता किशन स्वरूप और माता गोमती देवी रहती है। आरबीएम अस्पताल के पीएमओ नगेंद्र भदौरिया ने बताया कि सुबह 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि सीएम भजन लाल शर्मा के पिता बाथरूम जाते समय फिसलने से चोटिल हो गए हैं। सूचना पाते ही अस्पताल प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची। जब उनको वहां देखा तो उनकी राइट साइड की तरफ पसलियों में फ्रैक्चर महसूस हुआ। उन्हें निवास से एम्बुलेंस से आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां उनका सीटी स्कैन कराने का फैसला लिया। उसके बाद पता चला कि उनके राइट साइड की 5 पसलियां टूट गई है, जो कि 3 से लेकर 8 तक है। अभी उनकी स्थिति स्टेबल है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। फिलहाल सर्जिकल आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनके उपचार के लिए चिकित्सकों की विशेष टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पिताजी का जो है आज सुबह सुबह खबर मिली, अब उनका पांव फिसलने से हॉस्पिटल में उनका एडमिट किया गया है। अभी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा उनकी जाँच की गई, सिटी स्कैन MRI CT कराया गया, उसमें रिब्स का फ्रैक्चर आया और सब कुटेनस कंटाइनमेंट है। वाइटल्स अभी स्टेबल है और डॉक्टर्स की टीम बाकी डिटेल्स में डॉक्टर बता देंगे आपको। अभी कंडीशन स्टेबल है। 9:15-9:30 के आसपास ये सूचना आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी बाथरूम में फिसल गए, उनके चोट लग गई है। ये सूचना पाकर के अस्पताल प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँची तो देखने पर यह पाया कि उनकी रिब के अंदर राइट साइड के अंदर रिब के अंदर इंजरी थी। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस लेकर के सीटी करवाने का डिसीजन लिया गया और सीटी उनका करवाया। तो सीटी के अंदर उनका फ्रैक्चर्स पिछली 3 से लेकर 8 की रिब में अंदर उनके फ्रैक्चर्स आए, पर अभी उनकी वाइटली कंडीशन स्टेबल है, हर तरीके से सुरक्षित है।